नाउ वी आर टू फाइंड आउट द स्लांट हाइट. स्लांट हाइट का क्या फॉर्मूला होते हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एच? सिंप्लीफाई दिस. कितना है यहाँ पे? मीटर है, सेंटीमीटर है. यहाँ पे भी यूनिट लगा लेना. आफ्टर दिस वी आर टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया. दिस इज योर सेकेंड पार्ट. नाउ वी आर टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, थर्ड पार्ट. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज कितना आएगा? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. स्नेहा वहां से उठ के आगे आ जाओ. कम फॉरवर्ड. आर यू हैविंग द बुक विद यू? Bring your book also. चलें next question पे. हाँ जी. Okay okay no problem. Done. बॉयज डन बच्चे, चले अगले पे. हाँ जी. इन द फोर्थ पीरियड आई एम फ्री. इन द फिफ्थ पीरियड यू विल गेट. क्वेश्चन नंबर 7. अ राइट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना. अ राइट ट्राइंगल एबीसी विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर. Find the volume of the solid so obtained. Set square है किसी के पास geometry box में, जो triangles होती हैं? No one is having. हमें जो है अब उसने कहा कि we are given a right triangle. हाँ जी. हाँ ले ओ. Now see this. ये right triangle है हमारे पास, ठीक है. अब इसकी dimensions बताओ कितने कितने given है? 5, 5, 12 and 13. Let us suppose ये वाली side 5 है, ठीक है. ये 12 है और ये क्या है? Longest side is 13. 90 के opposite this is hypo. ये longest होगी. मैंने ये 5 ले ली, ये 13 ले. अब किस साइड के अलोंग उसको रोटेट कर रहे हैं? 12 वाली के. ये हमने 5 ली है, ये 12 है, मैंने ये पोजीशन कर दी, ये 12 बन गई. अब इस साइड के अलोंग उसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है. जब मैं इसको फास्ट रोटेट करूंगी तो कौन सी शेप बनेगी? कोन बनेगा. और कोन का जो ये चीज है, ये क्या बनेगा? कोन का रेडियस. यानी कि कोन का रेडियस क्या आ गया? 5. और ये चीज कोन की क्या बनेगी? हाइट. तो 12 सेंटीमीटर कोन की क्या आ गई? हाइट. तो व्हेनेवर यू आर हैविंग अ राइट ट्रायंगल, जब हम उसको रिवॉल्व करते हैं अराउंड एनी ऑफ द साइड, जिस साइड के अलोंग आप उसको रिवॉल्व करोगे वो साइड क्या बनेगी? हाइट. और जो बेस है ये क्या बनेगा? रेडियस. व्हाट दिस कंसेप्ट क्लियर है? जिस बस इतना याद रखो, जिस साइड के अलोंग उसको रिवॉल्व करोगे
वो साइड हाइट बन जाएगी, तो दूसरी साइड जो कम वाली है हाइपो से लेस वाली है दैट विल बी द रेडियस. जो हाइपो है वो क्या बनेगा. थैंक यू. सो ये ट्राइंगल हमें गिवन है विद द साइड्स 5, 12 एंड 13. 12 सेंटीमीटर के अलोंग उसको रिवॉल्व करा किया गया अबाउट इट्स एक्सिस, तो यानी कि ये चीज बन गई रिवॉल्व वाला. दोबारा देखो, ये राइट ट्राइंगल है, ये साइड 12 सेंटीमीटर, ये साइड 5 सेंटीमीटर. मैंने इनकी डायमेंशंस एज्यूम कर ली कि 12 वाली ये है, ये 5 है, ये स्लांट हाइट, मतलब आप कहो कि हाइपो है इस केस में. अब उसने कहा 12 सेंटीमीटर के अराउंड इसको रिवॉल्व किया. ठीक है, जब ये रिवॉल्व हो रहा है, यहां से पकड़ा मैंने इसको, अगर मैं ऐसे रिवॉल्व करूंगी, जब ये 3 डायमेंशन पूरा कवर कर रहा है, तो ये वाली साइड ऐसे रोटेट होती जाएगी. ठीक है, और ये वाली साइड जो है वो एक सर्कल बना रही है, ये सर्कल, और ये स्लांट में ऐसे रोटेट होती जा रही है, तो क्या बन गई, ये कोन बन गया. कोन की हाइट क्या हुई, 12, और ये क्या हो गया, 5. समझ आया कि नहीं. ये देखो, ये कोन है. ठीक है, जो स्लांट हाइट्स हैं, जब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, ये चल रही है. ये स्लांट हाइट क्या थी, 13. यानी कि जब ये रोटेशन हुई, ये सारी साइड्स जो हैं परपेंडिकुलर को छोड़ के, अगर मैं एक जैसे बर्थडे कैप होती है, बर्थडे कैप पे मैं ऐसे लाइंस डाल दूंगा, सब स्लांट हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है. स्लांट हाइट हर केस में क्या रहेगी, 13. जो आपका यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर आपका ड्रॉ होगा, दिस विल रिप्रेजेंट द हाइट. और हम किसके अलोंग इसको रोटेट कर रहे हैं, 12 सेंटीमीटर के, यानी कि ये हाइट फिक्स है. जब ये आप रोटेट कर रहे हैं, इसका ऊपर वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट फिक्स है, ये उस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहे हैं. तो ये हाइट हो गई 12. ये वाली साइड जो है ये मूव कर रही है, ये क्या हो गई, 13. और नीचे ये आपका सर्कल बन रहा है. अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख के, लेट अस सपोज ये मैंने प्लेन बेस पे रख के ये मूव किया, तो नीचे अगर मैं इसके यहाँ कोई सपोज कलर लगा देती हूँ, वो सर्कल फॉर्म करेगा, तो ये वाला सर्कल बन रहा है विद रेडियस 5. क्लियर, थैंक यू. सो क्या क्या अब आ गया हमारे पास, कोन शेप आ गई, सॉलिड सच फॉर्मड इज कोन. ये 1 मार्क में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, दैट इफ अ राइट ट्राइंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स, देन नेम द सॉलिड फॉर्म. तो सॉलिड कौन सा फॉर्म हो रहा है आपका, कोन. अब आपको इसमें गिवन है कि राइट सर्कुलर ट्राइंगल एबीसी विद साइड 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड. सो पहले आप लिख देना, सॉलिड सो ऑब्टेन्ड इज कोन. अभी रिसेस ओवर हुई है, नो फिर पहले जाइए. हाँ जी, अब क्या क्या गिवन है, हाइट कितनी होएगी, व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस आर, हाइट एच. What we are to find out? Yes, 1/3 pi r² h. Now put the values and get your answer. Pi given to you, 3.14. R is 5, h is 13. 12. अपॉन सो दिस इज योर आंसर 2200
200 या 2200 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में 7। हाँ जी, हाँ वो पाई की वैल्यू नहीं पुट की ना उन्होंने, दैट्स वन एंड द सेम थिंग, नो प्रॉब्लम। आप चाहे पाई में दे दो आंसर, चाहे ऐसे दे दो, बोथ आर करेक्ट। ऐसे भी छोड़ दोगे चलेगा। इज इट डन बच्चे? एनी डाउट? स्टेटमेंट क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट आप बताओगे। इफ द राइट ट्राइंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, क्या आएगी? हाँ, अब उस केस में क्या करोगे? हाइट को क्या ले लोगे? 5, और रेडियस को क्या लोगे? 12। गॉट इट? सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। इसी में 7th नहीं रहने, 6th होमवर्क कल दे दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क पार्ट है, बता रही हूँ, वो आगे बता रही हूँ। इसी में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेंड हो गया, हाई जो आपका सॉलिड बना वो कौन सा बना, सेम वे में आप लिखोगे दैट इज अ कोन। अब इस केस में हाइट क्या ले लोगे? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं बता रही हूँ, हाइट 5 हो जाएगी, रेडियस 12 हो जाएगा, सेम वे में वॉल्यूम निकाल लोगे। अब 8th क्वेश्चन में ही उसने आगे क्या कहा है आपको, फाइंड द रेशियो, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 7 में वॉल्यूम कितना आया हमारा? 2200/7। उसी में क्वेश्चन 8 में जो वॉल्यूम आएगा, दोनों का रेशियो आप क्या करोगे? कंपेयर कर लोगे। V7 मतलब वॉल्यूम ऑब्टेन्ड इन 7th क्वेश्चन, V8 यानी कि वॉल्यूम ऑब्टेन्ड इन द 8th क्वेश्चन, दोनों का रेशियो निकाल लोगे, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर हो जाएगा? नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 and height is 3 meter. क्या क्या गिवन है heap of corn की, heap of wheat की? Height and diameter से क्या निकाल लोगे? अब क्या करना है आगे, वो क्या कह रहे हैं? Find its volume. क्या formula लगाओगे? चलो बताओ मुझे अब मैं क्या क्या लिखूं। Yes, diameter of this is 10.5 meter or centimeter. So radius पॉइंट हटा दिया मैंने, सो दिस इज 21/4 मीटर। और क्या गिवन है? हाइट 3 मीटर। सो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम पूछे? फाइंड इट्स वॉल्यूम, हीप लिख दो, वॉल्यूम ऑफ हीप इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो पाई को क्या ले लोगे? 22/7। सो पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। कितना? 21/4। आई हैव रिटन 7/4, इट्स 21/4। वेट, आई हैव टू डू द कैलकुलेशंस अगेन। 693/8। अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो, इसका आगे कहीं यूज हो रहा है, आगे क्या पूछा है उसने?
ठीक है 86.625 मीटर क्यूब सबका आ रहा है ये पीछे नहीं देखो आपस में टैली कर लिया करो तनिष्क वहां से उठ के ना मिलन से पीछे वाले बेंच पे चले जाओ बातें ही नहीं खत्म होती आप लोगों की और आगे से मैंने जिसको पॉइंट आउट किया रिकॉर्डिंग मेरी यहाँ पे चल रही होती है वो लिंक रिकॉर्डिंग का मैं उस बच्चे के पेरेंट्स को भेजूंगी जिसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ताकि पेरेंट्स को भी पता लगे कितनी अटेंटिवली आप लोग पढ़ रहे हो इज इट डन नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट सी क्या पूछ रहे हैं वो हमसे द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड अब कौन कॉनिकल शेप में हीप है तो जब हम इसको कवर करेंगे यानी कि दिस पोर्शन इज कवर्ड ठीक है तो नीचे का जो बेस है वो हमने नहीं लेना है सिर्फ ये जो कर्व्ड पोर्शन बनेगा दिस वी आर टू कवर इट मींस वी आर टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन जितना इसका हीप का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा दैट विल बी द क्या आएगा दैट विल बी द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड सो राइट डाउन एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल हीप एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड So curved surface area is pi RL. It means you have to calculate the slant height. Radius you are having, height you are having, you can find out the slant height. यही पे साइड पे कर देना इसको रेडियस कितना है एंड व्हाट इज द हाइट सिंप्लीफाई दिस कितना आ रहा है By points में convert करो root आ गया ना बच्चे root ले लिया मैंने 16 को मैंने without root लिख दिया हाँ जी निकालो division method use करो लॉन्ग डिवीजन से निकालते थे स्क्वायर रूट यूज दैट मेथड 85 का पेयर बनेगा 5 अकेला रहेगा 2 पे जाएगा पहले 2 2 4 याद आ गया कितने पे गया 20 क्यों पॉइंट्स में लेके चलो यहां से बताओ बड़ा हो जाएगा ये 1 पे जाएगा
नेक्स्ट बताओ किस पे जाएगा ये? सेवन एट चेक कर लिए, चलो 24.17 बाय 4. अब वैल्यूज पुट करो एंड गेट योर आंसर. कैलकुलेशंस एक बार फिर से जरूर चेक करना. ठीक है, ये भी ठीक है. ये तो इसका स्क्वायर आया होगा ना, तो ये ऐड किया बीच में, ऐड करके ये आ रहा है. तो फिर अब इसका रूट कहाँ लिया है? नहीं तो अब इसका भी तो रूट लेना है तभी आंसर, क्योंकि सेम आएगा ना. 6.04 कितना आ रहे हैं? 24.17 है अप्रोक्सीमेटली. इसको 4 से भी तो डिवाइड करोगे ना, या चलो उधर कैलकुलेशंस में पुट कर लो, नो प्रॉब्लम. रेडियस कितना है? 21/4. स्लांट हाइट आपने निकाली 24.17/4. इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल गेट योर आंसर. हाँ जी, 7.9. सारी कैलकुलेशंस के बाद बस ठीक है. समथिंग. यहाँ कुछ गड़बड़ है, अपॉन में 4 नहीं है. ये कैलकुलेशंस चेक करो बच्चे, चेक दीज कैलकुलेशंस क्विकली. ध्रुव बातों के लिए नहीं कहा गया, ये अभी कैलकुलेशंस मुझे वत्सल ने बताई थी. वत्सल दोबारा चेक करो बच्चे कैलकुलेशंस अपनी. यहाँ बताओ ये कितना आ रहा है? 7.9. ये हाँ, ये करो डिवाइड करो 99 point something. कहाँ क्या कह रहे हो बेटे? Is it 7.9761 or 8.61? 7. चलो कैलकुलेशंस, तभी मैं कहती हूँ सारे चेक करो तभी पता लगेगा. ओहो ठीक है, 79761 डिवाइडेड बाय 800, दिस विल गिव यू 99 point something. ठीक है, तो दिस यू विल कंप्लीट योर सेल्फ. 8 से डिवाइड करके सीधा बीच में पॉइंट लगा देना. चले आगे. अब नेक्स्ट में वी आर हैविंग द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? और कोई नहीं बोलेगा, एक मिनट. ध्रुव, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, इतना टाइम खड़े होने में, बुक में झांक लो, फॉर्मूले याद नहीं है. बार बार मैं ये कह रही हूं, अगर ये चैप्टर में मार्क्स स्कोर करने हैं फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए. बोलो, अब तो देख लिया, बोल दो अब तो. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेटा जी, वॉल्यूम में हमेशा 3 डायमेंशंस होती हैं, तो पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, पाई आर क्यूब आएगा. इट्स 4/3 पाई आर क्यूब. ये दिस एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट टुमारो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट.